जरा सोचो, एक पेशेवर हत्यारा एक खास काम को अंजाम देने के लिए जानबूझकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में घुस जाए, लेकिन वो वहाँ से निकल पाएगा या नहीं, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है आर्थर बिशप नाम के एक आदमी से, जो समुद्र किनारे अपनी बोट में रहता था। एक दिन वो सुबह उठा और कॉफी पीने के बाद बोट से बाहर निकला। तभी उसने बोट में लगे एक बम को चालू कर दिया ताकि कोई उसकी बोट चुरा न सके। ये कौन सा तरीका चोरी रोकने का। फिर वो अपनी बाइक पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ के सब लोग उसे पहले ही जानते थे और वेटर ने उसे समुद्र के पास वाली जगह पर बैठाया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि वो काफी समय से उसकी तलाश कर रही है। लड़की ने कहा कि उसका बॉस चाहता है कि बिशप 3 लोगों का खून करे, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा था। वो जानती थी कि ये काम बिशप के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। लड़की ने उसे धमकी दी कि अगर उसने हाँ नहीं की तो वो पुलिस को खबर कर देगी। वो सबको खबर कर देगी कि बिशप जिंदा है, क्योंकि पिछली बार वो अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच निकला था। तभी बिशप ने देखा कि इस लड़की के साथ कुछ और भी लोग हैं जो उसे ही देख रहे थे। अचानक उसने अपना फोन निकाल कर उस लड़की की तस्वीर ले ली। जैसे ही लड़की ने बंदूक निकालने की कोशिश की तो बिशप ने उस पर हमला कर दिया। ये देख कर लड़की के साथी भी बिशप पर टूट पड़े, लेकिन उसने एक एक करके सबको धूल चटा दी। फिर बिशप ने देखा कि नीचे से और गुंडे उसे पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो दीवार से कूद कर एक केबल कार पर लटक गया। उस लड़की ने अपने साथियों के साथ बिशप का पीछा किया और केबल कार में घुस गई। वो बिशप को अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो छत पर था। लड़की ने छत पर बंदूक चला दी, लेकिन बिशप एन वक्त पर कूद गया और एक पैराशूट पर जा गिरा। रात को जब वो अपनी बोट पर जाने लगा तो उसने देखा कि 2 लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उसने बिना समय गवाए अपना फोन निकाला और बोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वो माल उतारने और चढ़ाने की जगह पर पहुंचा। उसने एक डब्बा खोला और अपने पासपोर्ट और बाकी कागज जला दिए। फिर बिशप थाईलैंड के एक टापू पर गया, जहां वो एक लड़की से मिला जिसे वो पहले से जानता था। ये लड़की वहां के एक होटल की मालकिन थी। वो उसे एक कमरे में ले गई और बिशप ने एक खुफिया जगह से एक बैग निकाला। उसमें कई सारे फोन, हथियार और पासपोर्ट थे। उसने तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ जानकारी निकाली तो पता चला कि असल में ये लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की लड़की होटल की मालकिन से मिली और उससे कुछ दवाइयां मांगी। मालकिन ने उसकी बाजू पर कई घाव देखे, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। मालकिन ने उसकी और मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीना ने कहा कि उसे सिर्फ दवाइयां चाहिए और फिर वहां से चली गई। रात को मालकिन ने समंदर में एक बोट देखी जिसमें कोई आदमी एक लड़की को पीट रहा था। उसने तुरंत बिशप के पास जाकर उस लड़की की मदद करने को कहा। बात मानकर बिशप उस बोट पर पहुंचा और कहने लगा, अरे ओ, अगर तू सच्चा मर्द है तो इस लड़की को छोड़ दे। वो लड़की जीना ही थी, लेकिन उस आदमी ने बिशप की एक ना सुनी और अपनी बंदूक निकाल ली। इस गलती के लिए बिशप ने उसकी काफी धुलाई करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने मालकिन से कहा कि जीना को लेकर होटल चली जाए। फिर जब उसने बोट की छानबीन की तो उसे जीना का पासपोर्ट और फोन मिला जिसमें बिशप की तस्वीर थी। आखिरकार उसने बोट को धमाके से उड़ा दिया और होटल में वापस आया। उसने जीना से पूछा कि उसकी तस्वीर जीना के फोन में क्या कर रही है। उसने जीना से साफ साफ पूछा कि क्या वो भी क्रेन के लिए काम करती है। जीना ने सहमी हुई आवाज में बताया कि क्रेन उसे धमका रहा है। अब तक जो हुआ वो क्रेन के प्लान का हिस्सा था ताकि जीना बिशप से मिल सके। जीना ने बताया, दरअसल मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मुझे तुमसे मिलकर एक नंबर पर कॉल करना है और फिर मेरा मिशन खत्म। बिशप ने पता लगाया कि जीना अनाथ बच्चों को पालती है जिनकी तस्करी हो रही थी। क्रेन ने जीना को धमका कर कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके बच्चों को मार डालेगा। बिशप ने देखा कि एक बोट टापू की ओर बढ़ रही है जिसमें बहुत से आदमी हैं जो टापू पर नजर रखे हुए थे। बिशप ने जीना से कहा, देखो तुम्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने का नाटक करना होगा ताकि क्रेन को शक न हो। उसने ऐसा ही किया और बिशप ने इस सब में उसे घसीटने के लिए उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। बिशप ने बताया कि उसे जानकर खुशी हुई कि वो अनाथ बच्चों को पालती है, क्योंकि वो खुद भी एक अनाथ था। बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था। बिशप तो उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्रेन भाग न सका, इसलिए उन्होंने क्रेन को गुनहगार समझकर उसे सजा दी और तब से क्रेन बिशप से नफरत करता है। खैर, बिशप ने जीना को इस मुसीबत से निकालने के लिए एक प्लान बनाया और निशानी के तौर पर अपनी घड़ी दी। अगले दिन क्रेन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके दो दो हाथ करने की चुनौती दी। जब वो दोनों मिले तो बिशप ने कहा, क्रेन जीना को छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे जाने दे। लेकिन क्रेन कहने लगा, छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 लोगों का कत्ल करना होगा।
कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसमें पहला आदमी है अफ्रीका का एक गुंडा जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद है। फिर क्रेन ने उसे एक जीपीएस ट्रैकर निगलने को कहा ताकि काम पूरा होने पर उसके आदमी बिशप तक पहुंच सके। जब बिशप ने जीना के जिंदा होने का सबूत मांगा तो क्रेन ने कहा कि हर मिशन पूरा करने के बाद वो जीना से फोन पर बात कर सकता है और तीनों मिशन पूरे हो जाने के बाद जीना रिहा हो जाएगी। अब बिशप ने अपना काम शुरू कर दिया। उसे पता चला कि वो जेल समुद्र के बीचों बीच है जो शार्क से भरा हुआ था और जेल के चारों ओर 100 मीटर लंबे पहाड़ थे, इसलिए उस जेल में घुसना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद बिशप ने कुछ गैंगस्टर्स की जानकारी निकाली और एक आदमी चुना जिसके चेहरे पर एक टैटू था। उसने उसी आदमी जैसा हुलिया बनाया और फिर मिशन के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। अगले दिन जब वो सड़क पर घूम रहा था तो पुलिस ने उसे गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में उसने देखा कि उसका शिकार तो हर समय 4-5 लोग साथ लेकर चलता है। उसे एक साथी कैदी ने बताया कि इस आदमी का नाम क्रिल है और उसने लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति का खून किया था। अब तक कई कैदी क्रिल को मारने की कोशिश कर चुके थे। जब क्रिल पर फिर से हमला हुआ तो इस बार बिशप ने उसकी जान बचा ली। क्रिल ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे खाने पर बुलाया। जब बिशप उससे मिलने गया तो उसने क्रिल की जान ले ली और सबको लगा कि उसकी मौत जहरीला खाना खाने से हुई है। फिर बिशप ने तुरंत जेल की दीवार में धमाका किया और अपने पूरे शरीर पर ऐसा स्प्रे छिड़का जिससे शार्क्स उसके नजदीक न आए। अंत में उसने जीपीएस कैप्सूल निकला और समुद्र में कूद गया। उधर बोट के कैप्टन के पास मैसेज आया कि बिशप ने काम पूरा कर दिया है। उसकी लोकेशन ढूंढ कर क्रेन के आदमियों ने उसे बचा लिया। फिर बिशप ने जीना से फोन पर बात की तो जीना ने बताया कि बिशप के पास अगले आदमी को मारने के लिए सिर्फ 36 घंटे हैं, नहीं तो वो लोग जीना को मार देंगे। अब क्रेन ने उसे दूसरे आदमी की जानकारी भेजी। इस आदमी का नाम एड्रियन है जो कि एक अरबपति था। ये इंसानों की तस्करी का धंधा करता है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के 58वें माले पर रहता है जहाँ के सारे दीवार दरवाजा खिड़की बुलेट प्रूफ थे। ऊपर से हर जगह सेंसर्स और फिंगरप्रिंट डिवाइस भी लगे थे। अब बिशप इस आदमी के नीचे का घर खरीदने पहुँचा। वहाँ उसने घर की चाबियाँ और नक्शे की हूबहू नकल उतार ली। फिर उसने कांच फोड़ने वाले बॉम्ब बनाए और साफ सफाई वाले आदमी का भेष बदल कर उस घर में घुस गया। घर की खिड़की से लटक कर वो एड्रियन के घर के स्विमिंग पूल तक पहुँचा और वहाँ बॉम्ब फिट कर दिए। जैसे ही एड्रियन उसमें नहाने आया, बिशप ने धमाका कर दिया और एड्रियन सीधा नीचे गिरकर मारा गया। अब फिर से जीना का कॉल आया, लेकिन इस बार उसने चालाकी से उस बोट का नंबर दिखा दिया जिसमें वो कैद थी। फिर बिशप हेलीकॉप्टर से उस बोट तक जीना को बचाने पहुंचा और कई गुंडों को मार गिराया, लेकिन अफसोस कुछ देर बाद वो पकड़ा गया। फिर क्रेन ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, इस बार तो माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो जीना बेचारी मारी जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार हो गए तुम। अब बिशप का आखिरी मिशन था अमेरिका में रहने वाले मैक्स को मारना। वो एक ऐसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था जो पहाड़ के ऊपर बनी है और वहाँ सबमरीन्स का कारखाना था। इन सबमरीन्स में बड़ी बड़ी मिसाइल्स छिपाई गई थी। वहाँ खुफिया तरीके से किसी का भी अंदर आना या अंदर से बाहर जाना नामुमकिन था। जो भी वहाँ घुसने की कोशिश करता वो मौत के मुंह में जा गिरता। बिशप के पास इस काम को अंजाम देने के लिए 48 घंटे का वक्त था। उसे खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया। जब उसकी तरकीब कामयाब रही तो उसने बिल्डिंग के सारे कैमरा जाम कर दिए। चारों ओर हड़कंप मच गया और गार्ड्स मैक्स को एक खास कमरे में ले जाने लगे। तभी बिशप ने लिफ्ट में धमाका कर दिया, लेकिन किसी तरह मैक्स खास कमरे तक पहुंच गया। हालांकि अपना हीरो तो पहले से ही वहाँ मौजूद था। अब वो मैक्स के साथ मिल गया और मैक्स को मारने का नाटक किया ताकि क्रेन को चकमा दिया जा सके। उसका प्लान था कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश ढूंढने आएंगे तो क्रेन बोट में अकेला होगा और उस समय उसे खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने प्लान के मुताबिक मैक्स की मौत का नाटक किया और जैसे ही वहाँ धमाका हुआ, बिशप उसे समंदर से बचा कर एक टापू पर ले आया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके कहा, अबे ओ जीना को छोड़ दे। लेकिन क्रेन ने पहले मैक्स की लाश देखने की मांग की। बिशप ने बताया कि लाश उसकी सबमरीन में पड़ी है। इसके बाद क्रेन ने सबमरीन पर मैक्स की लाश देखने के लिए अपने आदमी भेजे। बिशप ने भी उनके लिए हर जगह बॉम्ब्स लगाकर तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसके आदमी वहाँ पहुँचे, बिशप ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उधर क्रेन ने ये सब अपने कैमरा से देख लिया। इसके बाद बिशप क्रेन की बोट पर पहुंचा और सारे गार्ड्स को मार डाला। इसी बीच जीना को भी गोली लग गई। वहीं क्रेन ने बोट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। बिशप ने जल्दी से जीना को छुड़ाया और उसे एक ऐसे डब्बे में पहुंचा दिया जो धमाका होने से पहले ही बोट से अलग हो गया।
अब बिशप और क्रेन की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उसने क्रेन को जंजीर से बांध दिया और तभी बोट में धमाका हो गया। जीना तो बच निकली, वहीं मैक्स के आदमियों ने बोट का मलबा बाहर निकाला। कुछ समय बाद जीना अपने बच्चों के साथ थी और उसने देखा कि बिशप उसकी आंखों के सामने खड़ा था। असल में बिशप बोट के स्टील रूम में छिप गया था, जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है, और इस तरह वो धमाके में बच निकला। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।